हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि किसी भी प्रोग्राम की या फाइल की शॉर्टकट की कैसे बनाई जाती है। तो शॉर्टकट की बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक प्रोग्राम चूज़ करना होगा कि किस प्रोग्राम की या फाइल की हमें शॉर्टकट की बनानी है। तो हम यहाँ पर एक प्रोग्राम चूज़ कर लेंगे, जैसे हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शॉर्टकट की बनाकर देखेंगे। तो हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर राइट क्लिक करना होगा और फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रॉपर्टीज़। तो इस प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक कीजिए और फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा स्टार्ट इन शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट की पर आप प्रेस कीजिए और यहाँ पर आपको कंट्रोल प्रेस करना होगा। कंट्रोल प्रेस करने के बाद आपको ये दिखाई देगा कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस, आपको जो जिस भी की से इसे ओपन करना है वो की प्रेस कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर ई दबाऊँगा तो ये देखिए, अब यहाँ पर ओके कर दूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब शॉर्टकट की क्रिएट हो चुकी है। अब ये देखिए मेरा कर्सर यहाँ पर है। अभी अब मैं कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस ई दबाऊँगा। ये देखिए कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस ई दबाने से एक्सेल खुल चुका है। अब मैं आपको एक और बनाकर बताऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीएलसी मीडिया प्लेयर। तो वीएलसी मीडिया प्लेयर की शॉर्टकट की बनाने के लिए हमें इस पर राइट क्लिक करना होगा और प्रॉपर्टीज़ पर जाना होगा। ये बनाना शॉर्टकट की बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप बहुत ही इजीली बना सकते हो इसे। आप कंट्रोल दबाइए और फिर आप यहाँ पर देख सकोगे कंट्रोल प्लस ऑल्ट लिख कर आ चुका है। आप कंट्रोल दबाओगे और फिर आपको एक की दबानी है कोई सी भी, जिससे आप वीएलसी मीडिया प्लेयर को या किसी भी प्रोग्राम को रन करना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पर क्यू दबाऊँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस क्यू। तो हमें यहाँ पर ओके दबाना होगा। आप यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिए और फिर यस कर दीजिए। ये देखिए अब शॉर्टकट की क्रिएट हो चुकी है। अब हम वीएलसी मीडिया प्लेयर को ओपन करने के लिए हमें कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस क्यू दबाना होगा। ये देखिए कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस क्यू दबाने से वीएलसी मीडिया प्लेयर ओपन हो चुका है। इस तरह से आप किसी भी प्रोग्राम की या फाइल की शॉर्टकट की बना सकते हो। शॉर्टकट की बनाने से अपना आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है। आपको प्रोग्राम में जाके उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑल प्रोग्राम में से भी कोई प्रोग्राम चूज़ कर सकते हो किसी की शॉर्टकट की बनाने के लिए। तो इससे आपका समय की बचत होती है, बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। अगर आपको ये शॉर्टकट की बनाना आता था तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।